देखते रहिए यूवीएन जीरो एट तराना से अर्पित बोडाना ब्यूरो की रिपोर्ट। तहसील न्यायालय के जिस आदेश को अपर कलेक्टर ने यथावत रखा उसकी तहसीलदार व थाना प्रभारी ने मिलकर निकाल दी हवा। तालाबंदी में कोई नया आदेश नहीं, फिर भी पीड़ित कृषक की भूमि में लगे गेट का ताला तोड़ निजी भूमि से रसूखदारों को दिलवाया रास्ता। देखते रहिए यूवीएन जीरो एट, ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। क्या मामला है आपका ग्राम कृष्णारिया का? अरे मामला ये है कि कल सोमवार का दिन था, हाँ, और तहसीलदार मैडम ये साहब शर्मा जी और पटवारी वगैरह सब लोग वहाँ पे आए कृष्णारिया, हाँ, ग्राम पंचायत कृष्णारिया, हाँ, और चौकीदार द्वारा हमें सूचना मिली सुबह, हाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग को, हाँ, के तहसीलदार साहब आ रहे हैं, हाँ, हम घर पे आराम से लेटे हुए थे, दोपहर में लॉकडाउन का पालन कर रहे थे, हाँ, अब जब वहाँ पे ताला तोड़ा गया तो पड़ोसी ने सूचना दी कि आपके रास्ते में जो गेट लगा हुआ है उसके ताले तोड़ के वो अपना काम चालू करा हुआ। हम जब खेतों पे गए यहाँ घर से, हाँ, दो भाई गए थे मोटरसाइकिल से, तो तहसीलदार मैडम से जाके मैंने पूछा मैडम आपके पास कोई आदेश है? हाँ, तो बोले कि थानेदार से, थानेदार के पास गए तो बोले कि मैडम से मिलो, मतलब किसी प्रकार का उनके पास आदेश नहीं पाया गया और आपको आके कोई दबाव बनाया गया, कोई आदेश दिया नहीं गया। हाँ, तीसरी बार पूछने पर टीआई साहब ने मुझे मारा। आपको मारा? मुझे मारा। बोले किन्ने मारा आपको? है किन्ने मारा आपको? ए साहब जगदीश शर्मा जी, क्या नाम उनका? अशोक शर्मा जी। अशोक शर्मा जी ने आपको मारा? अशोक शर्मा जी। काय के लिए मारा आपने पूछा नहीं, क्या कारण है आपको मारा? क्या कारण है? बोले कि आप लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। अच्छा, जबकि मैं मेरे खेत पे नहीं जाऊंगा क्या? कृषि कार्य मेरा खेत पे चल रहा है, मेरे खेत में गेट लगा हुआ था, ताला टूटा तो मैं नहीं जाऊंगा क्या? मेरी फसल बोई हुई उधर सब्जियां लगी हुई है। नहीं, आपका मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है, कोर्ट में भी चल रहा है, तहसील में भी चल रहा है, और कोर्ट में तराना जज डाकिया मैडम के यहाँ भी लगा हुआ है जिसके सुनवाई होने से पहले ही लॉकडाउन चालू हो गया था। तो मतलब आपका सीधा सा कहना है कि साहब ऐसा कोई आदेश नहीं है और बिना आदेश के ही मेरे यहाँ आते हैं और दरवाजा खोल कर उन लोगों को निकाल लेते हैं, ऐसा कहना है? मेरा ये कहना है कि बिना आदेश से आए, आदेश पूछने पर मारपीट की मेरे साथ में और लॉकडाउन को उल्लंघन किया है इन लोगों ने, और जब पूछते हैं तो मारते हैं और डराते हैं, बोले कि थाने पे आके ले लेना। ये हिसाब से मेरी बात हुई तो ये हिसाब बोले कि थाने पे आके ले लेना, आपको आदेश चाहिए। ये कोई बात, क्या बात हुई है थाने पे आने की? ठीक। और तहसीलदार मैडम से पूछते हैं, मैंने वकील साहब को फोन लगाया, वकील साहब से आप बात कर लो, तो मैडम वकील साहब से बात करने को तैयार। मतलब पीड़ित पक्ष का वकील है, और क्या मामला है ग्राम कृष्णारिया का, जो जमीन का कुछ बता रहे हैं आप? ये रास्ते का मामला है। हाँ, इनकी जमीन में इनके खेत तक जाने के लिए इनका निजी रास्ता है। हाँ, और इन्होंने अपने खेतों की सुरक्षा के लिए वायर फेंसिंग और एक गेट लगा रखा है, हाँ, ताकि इनकी फसल सुरक्षित रहे। हाँ, इनके पड़ोस में बीच में तालाब है पश्चिम दिशा में, और उसके पहले एक तालाब के पास है जो लगभग 7-8 फीट ऊंची है। हाँ, उसके बाद इनके विरोधी पक्ष के हैं भरत कुमार पिता शिवनारायण जी निवासी कृष्णारिया, हाँ, इनका खेत है जी। उसके पश्चिम में शासकीय काकर निकला हुआ है जो पथेला है, हाँ, और उसके बाद सरण नंबर 4 वो भी शासकीय काकर है, उसका सरण नंबर 151 वो डामर रास्ता बना हुआ जो कृष्णारिया से हनुमंती जाता है जी। ऐसा एक निर्बाध रास्ता भरत कुमार के पास उपलब्ध है, हाँ, मौजूद उसके रास्ते का उपयोग न करते हुए इनके गेट को तोड़ना चाहता है और इनके खेतों को नुकसान पहुँचाते, फसल को नुकसान पहुँचाते हुए इनके खेत से निकलना चाहता है। इसलिए उसके द्वारा एक आवेदन मेरे पक्ष का बिना पार्टी बनाया तहसीलदार साहब के यहाँ दिया गया था, जिसमें अंतरिम आदेश पारित हुआ था जो एक पक्षी था, बिना किसी पक्षकार को जोड़े गया था, ला का उल्लंघन करते हुए। वो आदेश अंतिम था 10 दिनों का, जिसमें केवल फसल बोने का आदेश था। उस आदेश के पश्चात निगरानी की थी अपर आयुक्त महोदय उज्जैन के समक्ष, जहां उस आदेश को यथावत रखा था, फिर निगरानी निरस्त की गई थी और निचले आदेश को यथावत रखते हुए पेज प्रेषित कर दिया था। दिनांक 6 तारीख को तहसीलदार महोदय के यहाँ से नोटिस जारी होते हैं उस आदेश का पालन कराने के लिए आ रहे महोदय को जी, और उसके पश्चात 11 तारीख को नोटिस हमारे पक्षकारों को उपलब्ध होता है कि आप बोले आप 11 तारीख को कोर्ट में उपस्थित हो जी। तो यहाँ 5-6 दिनों का अंतर आ रहा है, पेशी लगी नहीं उसके पहले आदेश प्रेषित कर दिया गया। मतलब आदेश पहले निकल गया और नोटिस बाद में आता है? नोटिस बाद में आया और आदेश पहले निकल गया, ताकि ये उस आदेश के एक्शन में विरोधियों को एक्शन ना ले सके। उसके बाद में वो फसल बोने के लिए आदेश था, मगर उस आदेश के पालन में आलू की फसलें खेत से निकाली गई, तो वो न्यायालय के समक्ष दोनों बातें झूठी बोली उसने भरत कुमार ने। पहले तो ये कि उसको गेहूँ की फसल बोना थी जो उसने बोई नहीं, दूसरी जो गेहूँ की फसल उसको बोने की बजाय वो आलू की फसल निकाल के लाया,
और उसके संबंध में पंचनामे तैयार किए गए और वो 10 दिन के लिए था। अधिकारियों से संबंध में बात हुई थी तो उनका ऐसा कहना था कि 9 तारीख से लेकर 19 तारीख तक 10 दिन के लिए इसकी वैधता रहेगी। 19 मार्च के बाद में ये जो आदेश था स्वतः निरस्त हो गया था, अब कोई नया आदेश है नहीं। 20 मार्च उसमें लगी थी, 16 अप्रैल को जवाब देना था उसके आवेदन का। इस बीच में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लगने के बाद में हर कोर्ट, सारी कोर्टें, सारे न्यायालय बंद थे। किसी भी प्रकार के प्रकरणों में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरे पक्ष का मुझे 13 तारीख को फोन आता है, बोले सुबह चौकीदार आया था और बताया जा गया है कि तहसीलदार साहब रास्ते के संबंध में गाँव पे आ रहे हैं। मैंने कहा कि आप मेरी बात करवा दीजिएगा। इनका फिर बाद में दोपहर को फोन आता है, बोले वो तो आ गए और मेरे गेट का ताला तोड़ दिया है और लोगों को निकाल दिया। ये जानकारी भी लगी कि वहाँ 25 लोग उपस्थित थे। नहीं, ऐसा पक्षकार का आरोप है, बिना आदेश के ये लोग आए थे, तो क्या इन्होंने आदेश मांगने की कोशिश की थी इनसे? जी, इनसे इन्होंने तहसीलदार मैडम से आदेश मांगने की प्रार्थना की, साथ ही टीआई अशोक शर्मा जी से भी आदेश मांगने की। पहले बोले कोई आदेश हो आपके पास में रास्ता निकालने के संबंध में आप बता दीजिए। तो एक वीडियो आया है जिसमें ये बताया जा रहा है केस आपके लिए कि आपके वकील साहब को आदेश के 3 दिन पहले जानकारी है, जबकि मैं बता दूं कि कोर्ट है सारी अभी लॉकडाउन के कारण बंद है। ऐसे आदेश कहीं नहीं आए हैं, ना ही कोई आदेश। इस वीडियो के माध्यम से ऐसा भी एक शर्मा, अशोक शर्मा जी का कहना है कि साहब अभी कोर्टें चालू है, तहसील चालू है, तो क्या कहना है? वो गलत जानकारी दे रहे हैं, ऐसा कोई आदेश नहीं है, वो नहीं आदेश है। उनसे आदेश मांगा मगर उन्होंने आदेश नहीं दिया है। राम कृष्णारे का एक मामला आया है पाटीदार जी का, किसी जमीन का निकलने को लेकर विवाद है, क्या कुछ मामला है सर? जी, आप संज्ञान में लाए हैं रास्ते का कुछ विवाद आप बता रहे हैं, इसमें तहसील से आदेश हुआ है, तहसील का आदेश मैंने बुलवाया है तहसीलदार से, इसमें क्या आदेश हुआ है उसका मनन करने के बाद आपको स्थिति से अवगत कराए। सर, उन किसानों का जो आरोप है उनका कहना है कि ऐसा कोई आदेश नहीं है और बिना आदेश के यहाँ पे जो थाना प्रभारी जी और मैडम द्वारा उनको धमकाया जाता है, और उन्होंने उनसे पूछा कि आपका आदेश बता दीजिए, कौन सा आदेश, आप अगर आए हैं तो हमको इस चीज़ का तालाबंदी का पता है, तो उन्होंने कोई ऐसा आदेश नहीं बताया गया उनको और उनके साथ मारपीट भी की गई है, इस विषय में क्या कहेंगे सर? ऐसा तो संभव नहीं है कि बिना आदेश के जो है पुलिस कार्रवाई करे। इसी की पुष्टि के लिए मैंने तहसीलदार से संबंधित के संबंध में जो भी आदेश हुआ है उसकी प्रमाणित प्रति बुलाई है, उस प्रति के अवलोकन के पश्चात स्थिति जो है। सर, उन्होंने बता बताया सर अभी मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है, लेकिन ना कहीं लॉकडाउन के चलते कोर्ट भी बंद है और ऐसा यहाँ थाना प्रभारी जी कहना कोर्ट चालू है, इस विषय में सर क्या कहेंगे आप? ये तो आप अवगत करा रहे हैं कि सब कुछ हुआ है, मैं वही कहूँगा कि एक बार मैं आदेश देखूँ, आदेश की हायरार्की को कहाँ कहाँ तक है, किस किस न्यायालय में है, तब उसकी अपन को पूरी जानकारी।